हेलो बच्चों, वेलकम टू यूअर चैनल 100 मार्क्स बाय उमा। और आज हम करने वाले हैं स्पेशल मल्टीप्लिकेशन ट्रिक्स, ठीक है, इन 3 सेकंड्स। तो उसके लिए आपको रूल समझना ज़रूरी है कि हम जो मल्टीप्लाई करने वाले हैं, जो चीज़ हम आज सीखने वाले हैं, उसके अंदर रूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो रूल क्या है, पिछली क्लास में जो है हमने पिछली वीडियो में सीखा था कि 46 मल्टीप्लाई में 44 की मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, ठीक है, 52 मल्टीप्लाई में 58 की मल्टीप्लिकेशन कैसे करें, इसको स्पेशल मल्टीप्लिकेशन कह सकते हैं हम। जैसे कि इन दोनों का सम जो है वो 10 होना चाहिए और ये दोनों डिजिट सेम होनी चाहिए, ठीक है, ये हमने सीखा था पिछली क्लास में, ठीक है। तो अब इस क्लास में हम जो है क्या सीखने वाले हैं यहाँ, तो हम कह सकते हैं कि सेम यही मल्टीप्लिकेशन है, बट यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है कि देखिए जैसे 67 है मल्टीप्लाई में 47, ठीक है, यहाँ पर उल्टा है। देखो यहाँ पे इन दोनों का सम जो है वो 10 होना चाहिए और ये दोनों डिजिट जो है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, इसका उल्टा है। मैंने पिछली क्लास में बताया था इन दोनों का सम जो है वो 10 होना चाहिए और ये दोनों डिजिट सेम होनी चाहिए, ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में जो है सीखा था। अब इस क्लास में हम क्या सीख रहे हैं कि ये दोनों डिजिट जो है सेम होनी चाहिए, इन दोनों का सम 10 होना चाहिए, ठीक है। तो इस टाइप की मल्टीप्लीकेशन हम जो है आज सीखने वाले हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको मैं, जैसे 38 है मल्टीप्लाई में यहाँ पर आपके पास है 78, ठीक है, देखो ये दोनों जो है सेम है और इन दोनों का जो सम है वो क्या है, 10 है, ठीक है। तो इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन जो है आज आप सीखने वाले हो, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर ये रूल लगेगा ही नहीं लगेगा, ठीक है, चेक करते हैं। सबसे पहले देखो ये दोनों सेम है और इन दोनों का समझे वो 10 है, ठीक है, और इसका जो है सम याद रखना वो 10 होना चाहिए और ये दोनों सेम होने चाहिए, तो हाँ यहाँ पे रूल तो लग रहा है, ठीक है। अब अंडरस्टैंड करते हैं सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। देखो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 3 7 जो 21, ठीक है, 21 और ये जो डिजिट है जो सेम मारी है, ठीक है, इसको क्या करना है, हमें प्लस कर देना है। तो 3 7 जो 21 और ये जो 7 जो रिपीट जो सेम नंबर है 8, तो 28 और 7 7 जो 49, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 67 मल्टीप्लाई में 47, देखो ये दोनों सेम है और इन दोनों का सम 10 है, ठीक है। तो देखो 6 4 से क्या होता है 24, ठीक है, 6 4 जो 24 24 और ये जो डिजिट सेम है इसको ऐड करना है, बच्चों याद रखना 6 4 जो 24 और जो डिजिट सेम है वो क्या है, 7 है, तो 31, ठीक है, और 7 7 जो 49, ठीक है। एक और नंबर लेते हैं, 48 मल्टीप्लाई में 68, ठीक है, तो देखो ये दोनों नंबर सेम है और इन दोनों का सम 10 है, तो 4 6 24 24 और डिजिट रिपीट कौन सा हो रहा है, ये सेम 8 है, तो 4 6 24 और 8 32 और 8 8 64, तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं आपको जो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जैसे कि 18 मल्टीप्लाई में 98, ठीक है, ये है, तो बहुत बड़ी मल्टीप्लिकेशन लग रही है ना, आसानी से हो जाएगा। देखो ये दोनों सेम है और इन दोनों का सम 10 है, तो 1 9 9 9 और 8 जो डिजिट रिपीट होती है उसको प्लस करना होता है, 1 9 9 और 8 17 और 8 8 64, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ये कॉन्सेप्ट, ठीक है, और मुझे आप जो है क्वेश्चन 2 करके दिखाओगे जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आप जो है कमेंट करके मुझे बताओगे कि आपको समझ में आया नहीं आया, और अगर आपको आ गया तो आप इसका आंसर जो है कमेंट में लिखोगे, और अगर आपको नहीं है समझ में आया तो आप कमेंट में मेरे से क्वेश्चन पूछ भी सकते हो, ठीक है। तो 56 मल्टीप्लाई में 56, ठीक है, सेकंड है आपका 83 मल्टीप्लाई में 23, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन करके दिखाओगे आप मेरे को, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो को शेयर करना मत भूलना बच्चों।